होल वीक डॉन्कीज की तरह काम करने के बाद अब वक्त है वीकेंड पर किसी अच्छी सी जगह से खाना खाने का, डिनर करने का। तो हम सिस्टर्स ने प्लान बनाया। हमेशा यही होता है कि हमारे खाना की जगह जो है वो प्लेस जो है वो डिसाइड करने में घंटों लग जाते हैं, पर एनीवेज वो हम ड्राइव करते हुए डिसाइड कर ही लेते हैं। फिर हम पहुँचे JBR में बारबेक्यू टुनाइट, क्योंकि यहाँ की बिरयानी बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े की होती है। डिसीजन तीनों का एक साथ बन ही गया। अक्सर हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। JBR में ये बारबेक्यू टुनाइट बहुत प्यारी लोकेशन है, और साथ ही फिर हम लोग को वॉक का एज भी मिला ब्लू वाटर पे। मैं ये ब्लू वाटर में वॉक कर रही हूँ और आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी कि आप भी इंजॉय करें व्यू को। हम ब्लू वाटर जो वो सामने आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वॉक काफ़ी कर चुके थे, बस थक गए, तो हम ब्रिज पे आ गए जहाँ से आप क्रॉस करके JBR को हेड करते हैं। और इसमें मज़े की जो सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि ये बहुत खुला है, यहाँ पे आपको फेरीज नज़र आती हैं, इसके अंदर पार्टीज़ चल रही होती हैं, डिनर पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग पार्टीज़, एंगेजमेंट पार्टीज़, और वो रिंग है, दुबई रिंग आपने देखा। कोशिश की थी मैं इसमें बैठ जाऊं, लेकिन फ़िलहाल मूड नहीं था, खाना भी खाया हुआ था। JBR की लुक है, सारी बिल्डिंग्स आपको फैमिलियर नज़र आ रही होंगी क्योंकि सब आते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए या हर एक की इंटरटेनमेंट के लिए कितनी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, तभी तो कोई बोर नहीं होता। इन्होंने लाइट्स जो छोटी फेरी लाइट्स होती हैं उसके ज़रिए ये लोग डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा अभी एक फेस बनेगा, जो मुझे वाकई में उस वक्त बहुत ज़्यादा ही इंटरटेनिंग लगा। हमारे यहाँ यंगस्टर्स के लिए कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, तो वो बोर हो जाते हैं, तो वो ऑफकोर्स गलत कामों की तरफ चल पड़ते हैं। बाहर के मुल्कों में आपको देखिए मैंने फेस की बात की थी ना, तो कितने प्यारे से इन्होंने ये फेरी लाइट्स के थ्रू, इसको एक्चुअली लेज़र लाइट्स हैं, मैं फेरी लाइट्स कह रही हूँ सॉरी, लेज़र लाइट्स हैं, इसके थ्रू ये सारा ये बना रहे हैं, डिफरेंट फेस और शेप्स और बर्ड्स। अब मैंने थोड़ा ये सोचा कि आगे की तरफ थोड़ी सी और वॉक कर लेते हैं। खाना खाने के बाद बहुत हैवी सा फील हो रहा था, थकने के बाद तो घर ही जाएंगे, और इतने अच्छे नेल्स मैंने करवाए तो दिखाना तो बनता था, इसलिए फिर हम लोगों ने अपने, हम तीनों बहनें जब साथ होती हैं तो अक्सर 90s, 70s, 80s के सॉन्ग्स लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, मगर हम उसको बहुत इन्जॉय करते हैं, हंसते हैं, और उसको मुझे लगता है कि उस वक्त जो वर्डिंग थी सॉन्ग्स की वो बहुत मतलब समझने वाली होती थी, अब तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं, क्या सॉन्ग्स हैं, किस किस्म के लिरिक्स हैं। तो ठीक है, अब घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि वीकेंड यही होता है यहाँ पे यार, बस आपने रात को निकले, खाना खाया, मॉल गए, मूवी देखी, एंड दैट्स इट, वीकेंड ख़त्म हो गया और अगला हफ्ता आपका एज अ डॉक्टर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे तो आपका यही चलता है कि मशीन की तरह, रोबोट की तरह आप सुबह निकलें और रात को घर आएँ, इस यहाँ पे ऐसी कमाई होती है। और फिर इस किस्म की लाइफ स्टाइल को अगर कैरी करना है तो आपने कॉपरेट करना होता है।